हेलो फ्रेंड्स, पीके बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस से अगला पार्ट देखेंगे। फोटोसिंथेसिस का ये तीसरा या चौथा पार्ट है आपका। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ज़रूर आप ध्यान दें, इसको गंभीरतापूर्वक आप लें और याद रखें, इसको बढ़िया से इसका नोट्स बनाएं और लिखें भी, कॉपी कलम लेकर इसको लिखें भी, क्योंकि जब लिखा रहेगा तो आप उसको रिवाइज करके कम समय में आप देख सकते हैं, वरना आप वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो आप एक बार लिख लेंगे तो फिर आप उसको रिवाइज कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला आपका, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण है, यानी कि फोटोसिंथेसिस फर्स्ट स्टेप इज, कौन सा फर्स्ट स्टेप है आपका? प्रकाश के एक फोटॉन से क्लोरोफिल ए के एक इलेक्ट्रॉन का उत्तेजित होना। अब हम आपको ये बता दें कि फोटॉन क्या होता है, फोटॉन को हम क्वांटा भी कहते हैं, ये क्या चीज़ है? प्रकाश का उत्सर्जन अथवा अवशोषण निरंतर क्रम में नहीं होता है, बल्कि ऊर्जा के बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है। ऊर्जा के बंडलों अथवा इन पैकेटों को हम क्या कहते हैं? क्वांटा और फोटॉन कहते हैं। जब यही फोटॉन यानी कि रेडिएशन, लाइट की रेडिएशन जो होती है हरी पत्तियों पर पड़ता है, तो वहाँ से क्या होता है, हरी पत्तियों में जो आपका क्लोरोफिल ए होता है, वहाँ से वो एक्साइटेड होकर वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? उत्तेजित होकर बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Q10 क्या है आपका? Q10 क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ताप गुणांक है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का सही समीकरण है, तो फोटोसिंथेसिस का जो है करेक्ट इक्वेशन क्या है? तो ये है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल है आपका, ये 6 है और ये 12 है, और यहाँ ये आपका बनता है ग्लूकोज बनता है, और क्या बनता है, यहाँ जल बनता है और जल और ऑक्सीजन बनता है। तो कभी कभी ये होता है यहाँ पर कि ये क्वेश्चन बहुत जल्दबाजी में जो है स्टूडेंट गलत करके चले आते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से इस इक्वेशन को देखिएगा। यहाँ प्रोडक्ट आपके 3 होने चाहिए, ये ध्यान में रहे कि यहाँ 3 होना चाहिए, कभी कभी 2 दे देता है, और इसका समीकरण बैलेंस भी ऑफ जो है बढ़िया से याद रखें, क्योंकि ऐसे 4 को इक्वेशन आपको समीकरण दे देंगे ऑब्जेक्टिव में, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो बढ़िया से इसको ध्यान से आप देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। C4 प्लांट में कार्बन स्थिरीकरण किस कोशिका में के क्लोरोप्लास्ट में होता है? तो C4 प्लांट हमने आपको बताया है, C4 प्लांट में 4 कार्बन का जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, ऑक्सैलिक एसिड बनता है। तो ये कहाँ होता है? आपके 2 सेल्स होते हैं, एक आपका मेजो सेल्स होता है और दूसरा क्या होता है, बंडल सीथ होता है। तो ये बंडल सीथ में होता है, किसमें होता है, बंडल सीथ सेल में ये होता है। C4 प्लांट में कार्बन का स्थिरीकरण किस के क्लोरोप्लास्ट में होता है? तो ये बंडल सीथ के सेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोसिंथेसिस में प्रयुक्त कच्चा माल है, रॉ मटेरियल क्या है? कच्चा माल क्या है फोटोसिंथेसिस में? वो आपका है कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, जो कि प्रकाश क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सनलाइट के प्रेजेंस में जो है ये आपका कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। और बिल्कुल यही आपका एकदम ठीक है, इक्वेशन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के मुख्य उत्पाद क्या है? तो मुख्य उत्पाद आपके क्या है, इसमें से अगर कहा जाए मुख्य उत्पाद क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन है, जबकि क्या होता है, इसमें से जल भी निकलता है, ये मुख्य उत्पाद के रूप में नहीं गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण की गति होती है, क्या होती है? ये श्वसन से क्या होती है, तीव्र होती है। जो हमारा रिस्पिरेशन चलता है, रिस्पिरेशन क्या होता है, श्वसन क्या होता है, भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को श्वसन करते हैं कहते हैं, और ये माइटोकांड्रिया में जो है चलता है आपका, और माइटोकांड्रिया में ही आपका केल्विन साइकिल चलता है। तो ये देखिए आपका ये वाला जो श्वसन से क्या है, श्वसन से तीव्र होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है ये श्वसन से क्या होती है, रिस्पिरेशन से फास्ट चलती है, तीव्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिल अभिक्रिया, हिल रिएक्शन के मुख्य तत्व हैं कौन कौन से हैं? तो क्लोरोप्लास्ट में अपचयित एक पदार्थ है, क्लोरोप्लास्ट में अपचयित एक पदार्थ और क्या है, ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 9 सोलराइजेशन एक क्रिया है जिसमें क्या होता है,
क्लोरोफिल का विघटन होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल का क्या होता है? विघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है कहाँ होता है? अंतरालिक प्रकाश में होता है, अंतरालिक प्रकाश में होता है। और ये भी एक क्वेश्चन आपको हम देख रहे हैं, रेड जो है रेड लाइट में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? तो ये है आपका 0.03% होता है। एक सामान्य सा क्वेश्चन है ये आपके लिए। प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में खाद्य यानी फूड स्टोरेज का परिणाम है। देखिए, जब प्रकाश संश्लेषण संश्लेषी सेल्स में क्या होता है, ज्यादा मात्रा में स्टार्च बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, तो वहां पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या हो जाती है, वो स्लो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु प्रकाश संश्लेषण होता है, जीवाणु प्रकाश संश्लेषण होता है यानी कि बैक्टीरिया जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है वो होता है किसमें होता है? औरक विकिरण में, किरणों में ये होता है, औरक इंफ्रारेड में होता है, औरक किरणों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशी क्रिया में यानी कि फोटोसंश्लेषण की जो डार्क रिएक्शन होता है कि क्रिया में किसका संश्लेषण होता है, किसका संश्लेषण होता है? फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड का होता है, PGA का शॉर्टकट में इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पौधा अच्छा प्रकाश संश्लेषी है? तो वो कौन से है, हमने आपको बताया था C3 प्लांट और C4 प्लांट में जब आपको डिफरेंस हमने पिछले वीडियो में बताया था, तो वहां पर आपको हमने बताया था कि C4 प्लांट में प्रकाश संश्लेषण अच्छे ढंग से होता है। और ये C4 प्लांट कौन कौन से है? आपके एक बीजपत्री मोनोकॉटिलेडनस होते हैं जो कि आपके क्या है, गन्ना है, जौ है, मक्का है, जई है, है ना, और चौलाई है ये। और दो बीजपत्री में हमने बताया था आपको, अब अमरेंथस बताया था, तो इन सब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रकाशीय फास्फेटीकरण की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? आर्नन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फोटोसिस्टम फर्स्ट में ऊर्जा संचित होता है किसमें होता है? फोटो सिस्टम जो आपका होता है 7000 जो होता है 700 होता है उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों में रिसर्च के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया किसको दिया गया? तो कैल्विन और बोरलांग को दिया गया, कैल्विन और बोरलांग को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना नहीं होते हैं? तो मैंने जब ये भी आपको जब C3 और C4 प्लांट मैंने आपको बताया था उसमें डिफरेंट बताया था पिछले वीडियो में, तो ये भी मैंने वहां पर आपका जिक्र किया था। तो किसमें नहीं होते हैं? आपके C4 प्लांट में नहीं होते हैं। किसके क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना नहीं होते हैं? तो C4 प्लांट के में ग्रेना नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया हुआ था, गन्ने की पत्तियों के जो है बंडल जो शीत सेल होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, C4 प्लांट में पहला CO2 स्थिरीकरण होता है कहाँ होता है? स्पंजी पैरेन्काइमा के क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो C4 प्लांट में पहला CO2 का स्थिरीकरण कहाँ होता है? स्पंजी पैरेन्काइमा के क्लोरोप्लास्ट में होता है। और लास्ट आपके लिए क्वेश्चन है, लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? लेग हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? ये दलहनी फसल की जो पौधे होते हैं, दलहनी फसलें जो होती है उन पौधों की क्या होते हैं, जड़ों में होते हैं। और इसमें जानते हैं आप राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम जो आपका बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन पर जो है स्थिरीकरण करता है वो। तो क्या होता है, इसमें का मुख्य कार्य क्या है, ग्रंथियों को उपलब्ध कराना, यानी कि जो उसमें नोड्यूल्स होते हैं, ग्रंथियां होती हैं उसको क्या करती हैं, ऑक्सीजन जो है अवेलेबल कराती है। तो ये रहे आपके जो है 21 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इसको जो है कॉपी पेन लेकर इसका नोट्स बनाए, इसको याद करें, बढ़िया से तैयार करें, ठीक है। हम फोटोसिंथेसिस से आपका अगर आपको आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है और आपको लगते हैं कि ये अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी मित्रों में इसका शेयर करें। जो भी जो है PGT या अन्य मेडिकल संबंधित जो है एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आपके जो है CGL है या आपका रेलवे का एग्जाम हो रहा है या NTPC का एग्जाम होने वाला है, तो ऐसे में बायो के क्वेश्चंस जो है आते ही आते हैं। तो ये अगर आप तैयार करते हैं तो आपको ये जो है हेल्प जो है यहाँ से जरूर मिलेगा। तो आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो हम फोटोसिंथेसिस से, हम चैप्टर वाइज आपका फोटोसिंथेसिस दे रहे हैं और भी आपको हम देंगे, अच्छे अच्छे हमारे पास क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे हमारे पास नोट्स हैं, तो हम वहां से आपको देंगे। लेकिन ये धीरे धीरे ये सिलसिला जो है आपका जारी रहेगा, ठीक है।
तो कब किसी दिन एक वीडियो, किसी दिन दो वीडियो, इस तरीके से हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। तो ठीक है, आप कल जो हम फिर आपके सामने जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।